Good morning students, my name is Deepa Garg, your computer subject teacher. Students, today I will teach you chapter 3, classification of computer. Last term पर हमने computer का chapter 3 का part 1 study किया था, classification of computers के बारे में जाना था, type of computers के बारे में study की थी, जिसमें हमारे सबसे पहले आता था on the basis of purpose, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस. अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी में एनालॉग और डिजिटल. ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी में आता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. इसी के साथ स्टूडेंट आज हमारे पास आता है डिजिटल कंप्यूटर. व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर? जो हम अपने चारों ओर देख रहे हैं वो हमारे सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं. Most commonly used computers are digital computers. They represent data, whatever numbers, letters, symbols and binary digit from, and they work with numbers in the form of separate discrete digit. These are general purpose computer. जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो हमारे जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं एंड कैन बी यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशन, और अलग अलग तरह के एप्लीकेशन में भी यूज हो सकते हैं, जैसे कॉमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैथमेटिकल में भी ये कंप्यूटर, हमारे डिजिटल कंप्यूटर यूज हो सकते हैं. सिंस दे कैन स्टोर डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम. ये अपने अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के निर्देश और प्रोग्राम लिए होते हैं. देर आर थ्री मेजर एलिमेंट इन आर डिजिटल कंप्यूटर विच हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. दे आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा. हम आपके सामने थ्री एलिमेंट डिजिटल कंप्यूटर के ला रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा. द डेटा इज प्रोसेस्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स यूजिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड देयरफॉर दे आर मोस्ट रिलायबल एंड फास्ट, जो कि बहुत तेजी से चलते हैं. द वर्क ऑफ GIGO यानी कि गार्बेज इन द गार्बेज ऑफ प्रिंसिपल एंड रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रामिंग एफर्ट्स. द डेस्कटॉप यूज्ड एट होम इन एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड नोटबुक्स, वर्क स्टेशनर्स, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा. नंबर वन होता है हमारा डेस्कटॉप PC, नेक्स्ट होता है हमारा नोटबुक स्मार्टफोन. स्टूडेंट्स आप सभी को इनकी पहचान होनी चाहिए कि नोटबुक का लुक कैसा होता है, डेस्कटॉप कैसा दिखता है और स्मार्टफोन कैसा होता है. फ़ोन की आई थिंक सभी पहचान कर लेंगे. डेस्कटॉप की पहचान, डेस्कटॉप क्या होता है, जो हमारा टेबल पे रखा जाता है कंप्यूटर, जिसके साइड में हमारा CPU होता है. और नोटबुक क्या होता है हमारा, जिसको हम हाथों में गोद में रख के भी काम कर सकते हैं. इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर्स. अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सअप होता है. हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर मिक्स होते हैं, वो हमारा कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर. They incorporate the technology of both of them, analog to digital and digital and to analog converts to convert the analog signals into discrete numbers and digital numbers to analog signals. इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में केयर करने के लिए एक होता है ICU. ICU को हम क्या कहते हैं? ICU होता है इंटेंसिव केयर यूनिट. ICU की फुल फॉर्म है हमारी इंटेंसिव केयर यूनिट. द मशीन इज यूज टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर एंड द टेम्परेचर. आपने कभी अगर ICU गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक मॉनिटर लगा होता है जिसमें हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर कंटिन्यू आता रहता है. In this machine, the analog device is used which measures patient's blood pressure,
and temperature etc. which are then converted and displayed in the form of desired. They are mainly used in artificial intelligence, industrial control process and computer aided manufacturing. Digital thermometer and ECG machine are example of hybrid computer. तो हमारी जो ECG मशीन होती है या डिजिटल थर्मामीटर होता है वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल हैं. इसी के साथ आता है स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी. अगर हम बात करते हैं साइज और कैपेसिटी की तो देखेंगे कि कौन कंप्यूटर हमारा किस तरह का है, उसको क्या नाम दिया जाए. सिंस द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स डिफरेंट साइज एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर providing different servicing to cater different needs of user. Computers can be as big in size as a room and as small as a hand palm. Computers can be classified into four categories. Computer ki kitni categories banayi hain? Four categories on the basis of their size एंड कैपेसिटी. कंप्यूटर के साइज और कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए उसकी फोर कैटेगरी बताई हैं. कंप्यूटर आपको मालूम ही है हमारे साइज में सब अलग अलग होते हैं. इसको स्मॉल भी होते हैं, कोई रूम में रखे जा सकते हैं और कुछ हैंड में भी रखे जा सकते हैं. तो आए स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सुपर कंप्यूटर. वॉट इज सुपर कंप्यूटर? जो साइज में बड़े होते हैं, फास्ट चलने वाले होते हैं और अधिक पावरफुल होते हैं. तो सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर. द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इज हाई कंप्रेस्ड टू अदर कंप्यूटर्स. द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स, FLOPS, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, जो कि हमारे पर सेकंड की हमें सूचना देता रहता है. ऐसा होता है हमारा सुपर कंप्यूटर. दे कैन परफॉर्म ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड. दीज कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड लार्ज इन साइज. ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और वेरी एक्सपेंसिव होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूज इन साइंटिफिक एप्लीकेशन सच एज वेदर, मौसम की जानकारी के लिए. वेदर फोरकास्टिंग, एरोडायनेमिक रिसर्च, एनिमेशन, ग्राफिक्स, बायोलॉजिकल रिसर्च, रिसर्च मॉलिक्यूलर रिसर्च एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में ये हमारे कंप्यूटर यूज होते हैं. दे कंटेन मल्टीपल ALU दैट कैन प्रोसेस सेवरल कॉम्प्लेक्स टास्क सिमिलरली. सुपर कंप्यूटर यूजेस ऑल इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इन एक्सिक्यूटिंग फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल. दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड dissipates large amount of heat. बहुत ज़्यादा गर्मी भी निकालते हैं, निकलती है इनके अंदर से, और काम के भी बहुत होते हैं. Examples of super computers are Crafest, IBM, Sequoia in United States. Crafest हमारे वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था. हमारा Crafest था हमारा USA का कंप्यूटर, ये बना था USA में. हमारे इंडिया का था सबसे पहला फास्ट चलने वाला कंप्यूटर परम. तो परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइन एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको कहते हैं हम CDAC इन पुणे इंडिया. तो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर सबसे पहला उसका नाम क्या था? परम. और जो USA का था उसका नाम था Crafest. नेक्स्ट आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे होते हैं? आप सुपर कंप्यूटर के
क्रिएफर्स्ट की पिक्चर यहाँ देख सकते हैं, IBM सिक्वोया को देख सकते हैं, और जो इंडिया का परम कंप्यूटर था उसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं जो दिखने में बड़े होते हैं और महंगे भी होते हैं? तो मेन फ्रेम इज अ वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, दे कुड फिल इन एंटायर रूम। दीज कंप्यूटर्स आर फास्टर एंड मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक पावरफुल होते हैं और बहुत तेज चलने वाले होते हैं, बट नॉट एज पावरफुल एज सुपर कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन फॉर मल्टीपल यूजर्स। तो हमारे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर से तो पावरफुल होते हैं, लेकिन ये मल्टीपल यूजर में होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, बल्कि ये मल्टीपल यूज में होते हैं। दे कैन सपोर्ट 100 ऑफ यूजर्स सिमुलेंटसली ड्यू टू इट्स हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। दीज कंप्यूटर वर्क फॉर डिकेड्स विदाउट एनी इंटरप्ट। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मेनली यूज बाय कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दीज कंप्यूटर्स हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दे आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर वॉज was a mainframe that was developed in 1947. Mainframe computer processes millions of instructions in 1 second. Next आता है हमारा mini computers. अब mini computer कौन से होते हैं? Mini computer जो mainframe से छोटे होते हैं और micro computer से बड़े होते हैं, वो हमारे होते हैं mini computers. तो मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर बट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इन 1960s मिनी कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस। एट दैट टाइम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। द प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज हायर देन द माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी मिनी कंप्यूटर की, बट लेसर द मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। तो मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिड रेंज एंड बिजनेस पर्पज। दे कैन support hundreds of users simultaneously. These computers has large RAM and hard drive space. तो जो हमारे ये mini frame computer होते हैं, mini computer होते हैं, उनमें हमारी large RAM लगी होती है और hard drive space ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल साइज। तो माइक्रो कंप्यूटर हमारे तो साइज में स्मॉल होते हैं, साइज होता है इनका स्मॉल। एंड लो कॉस्ट। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं हमारे जो साइज में स्मॉल होते हैं और लो कॉस्ट के होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट इन माइक्रो कंप्यूटर। CPU इज कंटेंड ऑन द सिंगल सेमीकंडक्टर चिप। माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पज कंप्यूटर्स डिजाइन फॉर इंडिविजुअल। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे जनरल पर्पज के लिए यूज होते हैं और डिजाइन होते हैं इंडिविजुअल। द
The various examples of a microcomputers are desktop computer, personal computer, notebook computer, laptops and netbooks, etc. The processing speed of microcomputers is than mini and mainframe computer. Processing speed is measured by MHz, yani ki megahertz or gigahertz, GHz. While the type of computers blow the given image on the basis of technology use. अब आपको लिखना है कि हमारी ई सी जी कहाँ यूज़ होती है, थर्मामीटर किस टाइप के कंप्यूटर में आती हैं, स्मार्टफोन कहाँ यूज़ होता है, थर्मामीटर कहाँ यूज़ होता है, आपको अपनी बुक में ही फिल करना है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर. जैसे कि आपको पहले ही बताया, डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो हमारे टेबल पर रखकर यूज होते हैं. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर डिजाइंड इन इंडिविजुअल. इट कंजिस्ट ऑफ कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, पावर सप्लाई एंड सिस्टम यूनिट कंटेनिंग सीपीयू, मेमोरी एटसेट्रा. दे आर यूज एट होम, स्कूल्स एंड बिजनेसेस एटसेट्रा. इट इज डिफिकल्ट टू कैरी डेस्कटॉप कंप्यूटर टू डिफरेंट प्लेस. डेस्कटॉप कंप्यूटर को कैरी करना आसान नहीं होता है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं. सो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड ऑन अ सिंगल लोकेशन. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए एक ही लोकेशन होती है. नेक्स्ट होता है हमारा नोटबुक कंप्यूटर. अब नोटबुक कंप्यूटर इज अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर. इट कंटेन ऑल द फीचर्स ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर. तो नोटबुक कंप्यूटर हमारा पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि रिसीव करता है, फीचर्स देता है हमारे डेस्कटॉप को. नोटबुक कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड लैपटॉप. तो नोटबुक कंप्यूटर को हम लैपटॉप भी कहते हैं. इट इज इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इजी होता है. साइज इन नोटबुक कंप्यूटर इज स्मॉल एज कंपेयर्ड इन अ साइज ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर से काफ़ी छोटे रूप में होते हैं. दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पज इंक्लूडिंग एजुकेशन, वर्क एटसेट्रा. मॉडर्न नोटबुक कंप्यूटर्स कंटेन इंटीग्रेटेड वेबकैम एंड माइक्रोफोन्स. रिचार्ज नोटबुक कंप्यूटर्स बाई यूजिंग अ बैटरी. नेक्स्ट आता है हमारा नेटबुक कंप्यूटर. व्हाट इज नेटबुक कंप्यूटर? नेटबुक कंप्यूटर इज अ स्मॉल, जो साइज में छोटे होते हैं, लो कॉस्ट होती है एंड लाइट वेट होता है, ये हमारे होते हैं नेटबुक कंप्यूटर. इट्स वेट इज अबाउट 1 kg, इसमें केवल 1 kg वेट होता है. द हार्डवेयर ऑफ नेटबुक कंप्यूटर इज लेस पावरफुल देन नोटबुक कंप्यूटर. नोटबुक कंप्यूटर से नेटबुक कंप्यूटर हमारे कम पावरफुल वाले होते हैं. दीज कंप्यूटर्स आर सुटेबल फॉर वर्ड प्रोसेसिंग एंड इंटरनेट. द साइज of notebook computer, netbook computer is small compared to the size of netbook computer. तो ये कभी नेटबुक कंप्यूटर जो साइज में छोटे होते हैं. तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं स्टॉप होता है. आई थिंक सभी को वीडियो अच्छे से वॉच करके चैप्टर समझ आ जाएगा. उसके बाद आपको अपनी बुक स्टडी करनी है. वीडियो को अच्छे से वॉच करें, बुक स्टडी करें, चैप्टर को समझने की कोशिश करें. थैंक यू एवरीवन.